हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मटन ग्रेवी। तो यहाँ मैंने ले लिया है 3 बारीक कटे हुए प्याज, मसाले और कुछ गरम मसाले। यहाँ हमने कुकर में ऑयल को कर दिया है गरम। फिर इसके हम अंदर डालेंगे गरम मसाले और प्याज। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और थोड़े ग्रीन चिलीज भी डाल लेंगे। इसे तब तक फ्राई करें जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। आप ये रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। हम अब मसाले को कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड। यहाँ हमारे ऑनियन भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर ब्राउन हो चुका है, इसीलिए अब हम उसके अंदर डालेंगे मटन। मटन को अच्छे से फ्राई करना और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, उसे अच्छे से फ्राई करना। और हमारा मसाला भी यहाँ रेडी है, तो हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मटन को तब तक फ्राई करिए जब तक उसका कलर ऐसा ब्राउन नहीं हो जाता। ब्राउन होने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे ग्राइंड मसाला, देन 1/2 टेबल स्पून ऑफ हल्दी। अमेजिंग। फिर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से भून लेंगे हम। तब तक भूनेंगे जब तक हमारे मसाले पूरे अच्छे से पक नहीं जाते। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 से 4 ग्लास पानी ताकि हमारा मटन अच्छे से बॉईल हो जाए। ना ढाबा स्टाइल ना रेस्टोरेंट स्टाइल, ये मटन ग्रेवी है मेरी मम्मी का स्टाइल। इसे हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे, देन हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 5 से 6 सीटी होने के बाद हमारा मटन हो जाएगा रेडी। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।